हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए ये टॉपिक्स। तो चलो मैं लेकर आ गया हूँ, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल से एग्जाम्पल्स मैंने गॉस लॉ वाले आपको वीडियो में दिए थे, जिसमें कि मैंने क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। चलो क्यूब से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के एक वर्टेक्स पे आप मान लो कि हमने एक चार्ज प्लेस किया क्यूब, ठीक। एक वर्टेक्स पे हमने एक चार्ज प्लेस किया क्यू। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। क्यूब के एक फेस के थ्रू फ्लक्स निकालें अगर उसके वर्टेक्स पर एक चार्ज हो तो, ठीक है। चलो देखो कैसे करें हम। तो पिछले एग्जांपल्स में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक ऐसा सरफेस सोचो जो सरफेस इसको पूरे तरह से इनक्लोज कर ले, है ना, और ये उसके सेंटर पर हो। तो आप सोचो कि हम कैसा एक स्ट्रक्चर इमेजिन करें जो स्ट्रक्चर इस चार्ज को पूरी तरह इनक्लोज कर ले और ये उसके सेंटर पर आ जाए। तो आपने अगर केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा हो तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर एक क्यूब में जो कॉर्नर होता है वो बाकी आसपास उसके 8 टोटल क्यूब्स होते हैं जिनका वो पार्ट होता है, इंक्लूडिंग दिस वन, यानी कि 7 और हो गए उनका ये पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको रूम की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि ये रूम में आप मान लो ये वाला जो अपर कॉर्नर है, ये कॉर्नर 8 और कौन से रूम्स का पार्ट है, मान लो आइडेंटिकल रूम्स हैं आसपास, ठीक है ना। एक रूम ये हुआ जिसका ये कॉर्नर है, इसके 7 वाले रूम का ये ऊपर वाला कॉर्नर होगा। उस रूम के इस तरफ जो रूम होगा उसका ये वो कॉर्नर होगा और इसके पीछे वाले रूम का ये कॉर्नर होगा, ठीक है। तो ये 4 इस फ्लोर पे रूम्स हैं जिसका ये पार्ट होगा ये कॉर्नर। सिमिलरली इसके ऊपर भी इन चारों रूम्स के ऊपर 4 रूम और होंगे जिनका ये पार्ट होगा नीचे वाले कॉर्नर्स को। अगर हम लोग देखें तो नीचे वाला कॉर्नर होगा ये उन चारों रूम्स का, एक एक नीचे वाला कॉर्नर होगा, तो टोटल हो गए 8, ठीक है। इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आप इमेजिन करो, एक क्यूब इधर मैंने ड्रॉ किया, है ना। थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एक क्यूब देखो इस तरफ हुआ ऐसे, ये एक क्यूब ये हुआ, ठीक है। एक क्यूब हुआ आपका ये ऊपर की तरफ, ये 3 बच्चों, एक क्यूब हुआ ये, ठीक 4। तो ये इन चारों क्यूब्स का पार्ट है, लेकिन क्या ये इस अरेंजमेंट के सेंटर में आया, अभी भी सेंटर में नहीं आया। तो सेंटर में लाना बच्चों क्यों ज़रूरी है, सेंटर में लाना इसलिए ज़रूरी है, मान लो एक सिंगल क्यूब है, एक सिंगल क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पर चार्ज है क्यू, तो उस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो होगा क्यू बाय एप्साइलन नॉट, और एक फेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, मैं दे चुका हूँ ये एग्जांपल आपको लास्ट वीडियो में, थ्रू वन फेस वो कितना होगा, वो होगा क्यू बाय 6 एप्साइलन नॉट, है ना। 6 फेसेस हैं तो 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से हमने इसलिए डिवाइड किया बिकॉज ये सेंटर में था चार्ज और हम लोग श्योर थे इस बात को लेके कि अब ये सेंटर में है ना, क्योंकि तो सारे फेस से बराबर डिस्टेंस पे हुआ, तो हर एक फेस से इक्वल फ्लक्स इसका पास होगा, तो हमने एक फेस से निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दिया। लेकिन आप ये इमेजिन करो कि अगर ये चार्ज सेंटर में ना हो,
यहां कहीं पर हो, तो इसकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी बच्चों वो हर एक फेस से इक्वल नहीं होंगी। एक इस वाले फेस से ये फील्ड लाइंस है, है ना, ऐसे। इस वाले फेस से ये है, जबकि जब ये चार्ज सेंटर में था तो इससे कुछ फील्ड लाइंस ऐसी थी जो इस फेस से पास नहीं हो रही थी, वो भी अब इस फेस से पास होने लगेंगी। ठीक है, इमेजिन करो। तो क्या होगा कि हर एक फेस से बराबर फ्लक्स नहीं होगा। तो अगर ये सेंटर पे ना हो, कहीं पर भी और हो, लेकिन हो क्यूब के अंदर, तो टोटल फ्लक्स तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन एक फेस से अगर मुझे निकालना हो तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता उसको सिक्स से। इसी तरीके से अगर मैं एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इमेजिन कर लूं जिसके अंदर ये हो पर सेंटर पे ना हो, तो उसके जितने भी फेसेस होंगे मैं नंबर ऑफ फेसेस से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा एक फेस के लिए निकालने के लिए। तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन करना है जिसके सेंटर पर हो, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ फेसेस काउंट करके मैं डिवाइड कर दूं। अब ये चार हो गए ना, अब चार आप इसके पीछे इमेजिन कर लो तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये उस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर में होगा। ये चार क्यूब है ना, चार क्यूब इसके पीछे इमेजिन कर लो तो ये उसके सेंटर में होगा, सेंटर में होगा। तो टोटल ये कितने क्यूब है, एट। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर से कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स पास होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्लक्स थ्रू वन क्यूब कितना होगा, देखो टोटल आठ है ना ये, क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। अब क्या मैं, अब क्योंकि एक क्यूब से आ गया क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट और एक क्यूब के छह फेसेस होते हैं, तो क्या मैं इसको सिक्स से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं। यहां पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अब जैसे ये वाला क्यूब था ना, हमारा जो मेन क्यूब था, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तीन फेस तो ऐसे हैं इस क्यूब के जिनको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर रही हैं, उनके अलोंग जा रही हैं। इमेजिन करो बच्चों, एक चार्ज आप इमेजिन करो, आप जिस रूम में भी हो आप इमेजिन करो कि उस रूम के कॉर्नर पे रखा है, अपर कॉर्नर पे, वहां पे वर्टेक्स पे आप इमेजिन कर लो। अब वहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो आप देखोगे कि ये वाली वॉल और ये वाली वॉल और छत, इन तीनों को वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करेंगी, इनके अलोंग जाएंगी। और वो अलोंग ऐसे जाते 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 सीधा किसको कट करेंगी, ऐसे आके ये जो ग्राउंड है इसको कट करेंगी, ऐसे जाती हुई सामने वाली वॉल को कट करेंगी, ऐसे जाती हुई उधर वाली वॉल को कट करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि उस फेस के थ्रू पास होना चाहिए, ये फेस और पीछे वाला फेस, उनके थ्रू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रही। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है सिर्फ तीन फेसेस से। यहां से आते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तो इस वाले फेस को कट करके निकलेगी, एक इसको, और एक ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा सामने वाले को जो इस तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो तीन ही हुए, छह से डिवाइड नहीं करना, इस बार करना है तीन से डिवाइड। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस इज क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट का वन थर्ड, विच इज क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। क्लियर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एक ऐसा ही क्यूब वाला और कर लेते हैं। मान लो इस बार जो चार्ज रखा है वो रखा है क्यूब के एज पर, ये एज है ना, यहां पे एक चार्ज मैंने रख दिया क्यूब, ठीक।
अब क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन है कि एक मान लो कि एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, है ना। फेस का भी निकाल लेंगे हम लोग, वो आप खुद निकाल लेना चाहे तो। हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि एक इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। अब आप सोचो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर मैं इसको कंप्लीट करूं कि ये उसके सेंटर पे आ जाए चार्ज। ये वाला हमारा चार्ज है क्यू, ठीक है। तो देखो, एक मैंने यहां पर बनाया, ये एक एक हमने ऊपर बनाया, ये एक हमने इधर बनाया, ये तो क्या ये इसके सेंटर पे आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक। तो अब टोटल इस पूरे स्ट्रक्चर से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक के थ्रू फ्लक्स थ्रू वन क्यूब कितना होगा? क्यू बाय फोर एप्सिलॉन, ठीक है। चलो, क्यूब वाला ठीक है, बात समझ में आ गई। एक दूसरा टाइप का उठाते हैं। अब मान लो इसका मैंने लास्ट वीडियो में इसकी बात तो करी थी, बट आप पे छोड़ दिया था करने के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। मान लो एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के एक फेज के सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। अब इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? अब क्या करेंगे? अब इसको बढ़ा दो, और बिल्कुल ठीक ऐसा एक आइडेंटिकल सिलेंडर इमेजिन कर लो इस तरफ, ठीक। ये अब इस पूरे स्ट्रक्चर से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू बाय एप्साइलन नॉट। टोटल से कितना पास होगा? क्यू बाय एप्साइलन नॉट, लेकिन हमने निकालना है एक से, तो उससे जो पास होगा इसका आधा होगा, तो इसके थ्रू कितना पास होगा? क्यू बाय टू एप्साइलन नॉट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जो कि इसके बेस के परपेंडिकुलर है, मान लो, ठीक। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसका जो रेडियस है वो है आर। तो इसके थ्रू मतलब कौन से पार्ट के थ्रू? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन है। कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने लास्ट वीडियो में करा था डिस्कस, कि ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा है, तो कर्व्ड पार्ट के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? तो उसमें हमने क्या किया, हमने इसको कंप्लीट किया, और ये एक स्फीयर के सेंटर पे आ गया। स्फीयर से टोटल फ्लक्स था क्यू बाय एप्साइलन नॉट, तो हेमिस्फीयर से कितना हुआ? क्यू बाय टू एप्साइलन नॉट, ठीक है। लेकिन यहां पर चार्ज ना देकर यहां पर यह दिया हुआ है कि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? देखो, अब इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें फ्लैट पोर्शन के थ्रू एंटर कर रही हैं, उतनी कर्व्ड पार्ट से बाहर भी निकल रही हैं। तो जो नेट फ्लक्स होगा, फाई नेट, वो तो आपको पता है जीरो होगा। नेट फ्लक्स जो होगा वो तो जीरो होगा, ठीक। जितनी एंटर कर रही हैं उतनी बाहर आ रही हैं। तो अगर जीरो है और मुझे एक फेस से पता है, मुझे नीचे वाले फेस से पता है, नीचे वाले फेस से मुझे कैसे पता है? अगर मैं बोलूं कि नेट फ्लक्स जो है वो क्या है, वो है फ्लैट का फ्लक्स प्लस कर्व्ड का फ्लक्स। फ्लैट वाले का फ्लक्स कितना है? फ्लक्स होता है ई डॉट ए, तो फ्लैट वाले के लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है,
ए, देखो ये क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताई थी? रेडियली आउटवर्ड। तो इस फ्लैट वाले रीजन के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस पार्ट की, इस फ्लैट वाले रीजन के लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा? नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ। और ई ए एरिया कितना है फ्लैट वाले का? पाई आर स्क्वायर कॉस 180 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट इक्वल टू जीरो। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट इज, ये पूरा उधर चला जाएगा, कॉस 180 होता माइनस वन, तो ये माइनस का ना उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, इस तरह का भी आप कॉन्सेप्ट याद रखो, ये काम आएगा आपके। ये कर्व्ड पार्ट किसी और शेप का भी हो सकता था, फ्लैट पार्ट हमारा जो है वो सर्कुलर ही है, या फ्लैट पार्ट ऐसा है जिसका हमें एरिया पता है, उसके साथ जुड़ा हुआ कर्व्ड पार्ट किसी भी शेप का हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ से जिसको मैं एक डेरिवेशन की हेल्प से कराऊंगा, उस डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो फॉर्मूला कई जगह पर हमारा काम आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि मान लो ये एक चार्ज है Q, और इस चार्ज से x डिस्टेंस पर यहां पर एक डिस्क है। ठीक, थोड़ा बड़ा बना दें, ऐसे वर्टिकल ये है ना एक्सिस, ऐसे डिस्क है। ठीक, जिसका रेडियस है r, डिस्क का रेडियस है r। ठीक, और इस चार्ज का जो फ्लक्स है इस डिस्क के थ्रू कितना है वो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? चार्ज का जो फ्लक्स है डिस्क के थ्रू वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब मुझे पूरी डिस्क के लिए निकालना है ना, तो मैं पहले थोड़े से पार्ट के लिए निकाल लूं, उसको इंटीग्रेट करके पूरी डिस्क के लिए आ जाएगा। थोड़े से पार्ट के लिए कैसे निकलेगा बच्चों? मान लो r डिस्टेंस पर एक मैंने रिंग ले ली, मैं इसका पूरे का एक साथ क्यों नहीं निकाल सकता? बिकॉज इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, और हर जगह पर, क्योंकि एरिया वेक्टर तो ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा इसके एरिया के, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो डिफरेंट होगा। तो मैं मान लो इनफाइनाइट छोटे छोटे एरियाज हैं जिनका फ्लक्स निकाल के मुझे ऐड करना है, क्योंकि सबके लिए एंगल ई और डी ए में अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सब इनफाइनाइट वालों को ऐड करना है तो मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें कि हम यहाँ पर एक बहुत पतली सी रिंग ले लें, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की एक रिंग ले ली। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी यहाँ पे वो ऐसे होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, और ये जो रिंग है इस तरफ, इसका अगर मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पीछे की तरफ, इस तरफ होगा ना इसका एरिया वेक्टर, देखो इसका मान लो एरिया है डी ए, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अब आप इस रिंग पे यहाँ ये डी ए ले लो, यहाँ ले लो, हर जगह जो एंगल है वो थीटा होगा। तो इस पूरी रिंग के लिए ई डी ए और थीटा सेम है, तो पूरी रिंग के थ्रू जो फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स थ्रू द रिंग, वो कितना होगा? ई डी ए कॉस थीटा है ना, वो इतना होगा। और E क्या है? एक चार्ज Q से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस है कितना? ये X है, ये R है, ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट X square प्लस R square। तो E हो जाएगा K
के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। ई डी ए, इस रिंग का एरिया क्या होगा, ये जो पतली सी रिंग है ये वाला एरिया, देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पेरीमीटर इनटू थिकनेस। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 2πr, इसका पेरीमीटर कितना होगा 2πr इनटू थिकनेस, पेरीमीटर इनटू थिकनेस, ये इसका एरिया हो गया इनटू कॉस थीटा। ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, ये जो थीटा है ये भी तो वही थीटा है, तो बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या बना, ये डी फाई बना 2πr के क्यू एक्स डी आर डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम है ना, देखो इसकी पावर 1 है इसकी हाफ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये बना। अब देखो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, डी आर, ये रिंग की थिकनेस कहां से कहां हो सकती है, ये रिंग पूरी डिस्क का पार्ट हो सकती है, तो जीरो से कैपिटल आर तक इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इस डिस्क के थ्रू टोटल फ्लक्स। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्या क्या बाहर आएगा, देखो पाई बाहर आ गया, आर तो डी आर है ना, आर तो वेरिएबल है, के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, अंदर देखो टू भी बाहर ले सकता था मैं, लेकिन टू को फिलहाल अंदर लिख लेते हैं, टू आर डी आर, क्यों अंदर लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एक जगह पहले भी ऐसा इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको सॉल्व, पुट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने कोई वेरिएबल ले लिया मान लो टी, अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ, देखो एक्स तो कांस्टेंट है, ये तो डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये होगा dt by dr, जिससे मुझे 2r dr की वैल्यू मिलेगी dt, इसीलिए मैंने 2 को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि पूरी 2r dr की वैल्यू मुझे मिलनी है। ये 0 टू r dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अच्छा इसको तो हमने टी पुट कर दिया ना, डी टी अपॉन टी की पावर 3/2। अब ये इंटीग्रल हो गया बिल्कुल सिंपल, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। टी देखो ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, टी की पावर हो जाएगी -3/2, -3/2 में के क्यू पाई एक्स, टी की पावर -3/2 को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा 0 टू आर, और -3/2 प्लस 1, -1/2 का 2 ऊपर चला गया, t की पावर -1/2 बची, नीचे आके t की पावर 1/2 हो जाएगा जो रूट टी हो जाएगा, और वापस t की वैल्यू पुट करो, बिकॉज हमारा इंटीग्रल तो स्मॉल r में था ना, तो t में उसकी लिमिट्स नहीं पुट कर सकते, t की वैल्यू वापस पुट करो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फ्रॉम 0 टू r, अब इसकी लिमिट्स पुट कर दो -2kq पाई एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अच्छा आर की जगह इसको पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, इसकी जगह 0 पुट किया रूट हट जाएगा 1/x बचेगा, माइनस अगर अंदर ले जाऊं 2k, दो चीज़ें अंदर ले जाओ, एक तो माइनस अंदर ले जाओ, एक ये x अंदर ले जाओ, तो 2kq पाई, ये पहले आ जाएगा x से x कट जाएगा और यहाँ पर x नहीं कटेगा, ये ठीक है, ये हो गया इसके थ्रू फ्लक्स। लेकिन इसको एक और तरीके से हम लोग याद रखें, ये भी
फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, क्योंकि अभी k क्या होता है, 1/4πε0 होता है। अगर k की वैल्यू हम पुट करें, k की वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, 2 × 1/4πε0 q × π 1 − x / x² + r² ठीक, ये समझे, और ये कैंसिल q/2ε0 1 − x / x² + r², ये फॉर्मूला आप याद रखो। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर कैसे काम आएगा। जैसे मान लो ये पूरा देखो एक कोन बना ना, अगर मैं पूरी डिस्क की बात करूँ ये रेडियस है r और ये एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस है x, तो इस डिस्क के थ्रू ये फ्लक्स है। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमको ये मिला कि मान लो एक कोन के वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा है तो कोन के बेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो इसको देखो इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अगर हम देखें x / √x² + r² ये है बेस, ये हाइपोटेन्यूज। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर मुझे ये एंगल दिया हो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर तो फिर इस फॉर्म में याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हो। 1 − बेस / हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉस थीटा, ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद रख लो, वैसे याद रख लो, ठीक है ना। कभी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि ये एंगल दिया होगा, कभी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि ये लेंथ्स दी होंगी, ये रेडियस दिया होगा, ये लेंथ दी होगी, तो आप ऐसे याद रखो जैसे भी याद रखो, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और डाइपोल की बात कर लेते हैं, यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना लिया था हमने डाइपोल वाले वीडियो में, याद है ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, 2a, ठीक। क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जो इस जिसका सेंटर इस डाइपोल के सेंटर पर है और वो इसके परपेंडिकुलर है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लस क्यू और माइनस क्यू को, इसका प्लेन उसके परपेंडिकुलर है, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल, इस सर्कल का रेडियस है आर, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस थ्रू दिस सर्कल। तो यहाँ पे देखो थीटा की बात नहीं हो रही है, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये 2a है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा a। अगर ये डिस्टेंस a है तो हमें देखो इस q के थ्रू, इस q के थ्रू अगर ये डिस्टेंस a है तो इस q की वजह से यहां पर इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जरा ध्यान से देखना, इस वाले सरफेस की बात हो रही है, इस वाले सरफेस की, ठीक, ये पॉजिटिव है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो ऐसे होंगी, तो वो इसको कट करके और इधर से बाहर आ रही, और ये नेगेटिव है। देखो अगर ये भी पॉजिटिव होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाती, तो जितनी इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं उतनी ही इधर आ रही हैं, क्योंकि दोनों जो है चार्जेस भी सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तब फ्लक्स होता जीरो, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसकी तरफ आ रही होंगी ऐसे ऐसे,
इधर से ऐसे, है ना, या फिर इधर से कहीं से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अब क्या है कि इस फेस में ही दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसी फेस से एंटर कर रही है, तो दोनों का फ्लक्स जो है वो ऐड होगा, और क्योंकि सिमेट्री है दोनों का, जो डिस्टेंस है वो सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो एक के थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना होगा, एक के थ्रू फ्लक्स है क्यू बाय टू एप्साइलन नॉट वन माइनस डिस्टेंस विच इज ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक के थ्रू इतना होगा, एक के थ्रू इतना होगा, तो टोटल दोनों के थ्रू कितना होगा, इनटू क्या कर दो, टू। तो इस सर्कुलर एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा ये, ठीक, समझ में आई बात। चलो एक और देखते हैं, मान लो ये एक सिलेंडर है, मान लो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक चार्ज है Q, मान लेते हैं इस सिलेंडर की लेंथ है L और सिलेंडर में एक चार्ज है Q, सिलेंडर का रेडियस है R, और ये जो चार्ज है Q ये एक फेस से, ये एक फेस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो एक अब फ्लैट फेस से तो आपको आ गया निकालना, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड पार्ट से तो हमको नहीं पता, हमको तो टोटल पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट पार्ट से कैसे निकालते हैं। एक तो हमें टोटल पता है कि इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स जो होगा वो गॉस थ्योरम से हमको मिल जाएगा, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा Q बाय एप्साइलन नॉट। तो अगर मैं देखो फ्लक्स थ्रू, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट, तो अगर मैं ये कर दूं Q बाय एप्साइलन नॉट में से माइनस कर दूं फ्लक्स इसके थ्रू जो है, इस वाले फ्लैट रीजन के थ्रू मान लो फ्लक्स है फाई वन, इस वाले फ्लैट रीजन के थ्रू मान लो फ्लक्स है फाई टू, तो मैं कर दूं कि फाई वन प्लस फाई टू, और फ्लैट वाला तो अपने को निकालना आता ही है, तो मुझे टोटल फ्लक्स जो है वो कर्व्ड सरफेस के थ्रू वो मिल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो है कर्व्ड सरफेस के थ्रू, बच्चों देखो कितना आएगा, ये वाला जो फ्लैट है, पहले चलो इस अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L माइनस एक्स, ठीक। तो ये हो गया एक ऐसी अरेंजमेंट, ये एक ऐसी अरेंजमेंट, ठीक, ये दो कोन बन गए, कोन के वर्टेक्स पर है, तो पहले तो इसके लिए निकाल लो, इसके लिए हमने जो माना फाई टू वो कितना होगा, Q बाय टू एप्साइलन नॉट वन माइनस बेस विच इज x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फाई वन कितना होगा, Q बाय टू एप्साइलन नॉट वन माइनस डिस्टेंस विच इज L माइनस एक्स अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये, ठीक है। और ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे अगर हम, तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्लक्स फाई है, ये हमारा जो है फ्लक्स फाई जो हमें चाहिए वो कितना होगा, Q बाय एप्साइलन नॉट माइनस इन दोनों का सम, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो Q बाय टू एप्साइलन नॉट कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन माइनस दिस, यहाँ पे प्लस वन माइनस दिस, तो टू माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स माइनस एल
स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम लोग कर लें, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो बच्चों देखो, क्यू बाय एप्साइलन नॉट आया कॉमन। अब बड़ी सी ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे बचा वन माइनस, यहाँ पे बचा वन बाय टू, वो अंदर चला गया, यहाँ बचा वन, एक टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स बाय टू अंडर रूट एल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया कैंसिल, ठीक। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बना। तो हम मान लें कि ये जो अगर अगर ये वाला जो हमारा चार्ज रखा है ये इसके ठीक सेंटर में रखा होता, अगर ये इसके ठीक सेंटर में रखा होता तो हम लोग बोल सकते थे कि एक्स क्या होगा, एक्स होगा एल बाय टू। तो ज़रा यहाँ पे देखें कि हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा। हमें रिज़ल्ट मिलेगा क्यू बाय एप्साइलन नॉट इंटू एल बाय टू, एल बाय टू आएगा ना, देखो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एल बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एल बाय टू का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय फोर प्लस आर स्क्वायर। अब L माइनस एल बाई टू भी L बाई टू हो जाएगा, L माइनस एल बाई टू एल बाई टू हो जाएगा, तो इंटू इसको टू कर दो क्योंकि ये पूरा आइडेंटिकल हो गया, ठीक। एक तो देखो ये वाले टू से ये वाला टू कटेगा, Q बाय एप्साइलन नॉट और L बाय टू, जब यहाँ पर ये जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर, नीचे रूट में फोर आएगा उससे ये कटेगा। सो फाइनल आंसर आएगा क्यू बाय एप्साइलन नॉट एल इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कर्व्ड पार्ट के लिए अगर पूछा हो तो, ठीक ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।